हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको नीम की पत्तियों से कैसे अपने शरीर में कुछ रोग दूर कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। मौसम के बदलने पर नीम की पत्तियों को पीसकर उसका पानी निकालकर सेवन किया जाए तो खून साफ होता है व अनेक रोग दूर होते हैं। नीम से बना घरेलू फेस पैक भी बहुत उपयोगी साबित होता है। नीम के पत्ते तथा दही और बेसन का पेस्ट बनाकर चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाएं। इससे जहां चेहरे का रंग खिल उठता है, वहीं चेहरे के दाग मुहासे भी नष्ट होते हैं। पिंपल्स दूर करने के लिए नीम के पत्तों और तुलसी के पत्तों को गुलाब जल में मिलाकर बारीक पीस लें, फिर इस पेस्ट को फेस पैक की तरह लगाएं। यह एक बेहतरीन फेस पैक होता है। तेल, अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो नीम फेस पैक 2 चम्मच नीम पाउडर लेकर उसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस और थोड़ी सी दही मिलाकर त्वचा पर लगाएं। यह अतिरिक्त त्वचा का तेल सोख लेता है। यदि आपके चेहरे पर या मुंह पर कील मुहासे हैं और रंग भी सांवला है तो उसमें निखार लाने के लिए नीम की पत्तियों को सुखाकर उन्हें बारीक पीस लें, फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी, नीम की पत्तियों का पाउडर, 3-4 बूंद गुलाब जल डालकर पानी में घोलकर आप एक पेस्ट बना लें। अब इस पैक को प्रतिदिन नहाने से पहले चेहरे पर लगाएं तो कील मुहासे तो हटते ही हैं, साथ ही रंग भी साफ हो जाता है और चेहरे पर चमक भी आती है। बालों का झड़ना, उनका सफ़ेद होना या बालों में रूसी होना एक आम समस्या है। यदि नाक में 2 बूंद नीम का तेल डाला जाए तो बालों के झड़ने तथा उनके सफ़ेद होने को रोका जा सकता है। रूसी से छुटकारा पाने के लिए रात में नीम के तेल की मालिश सिर से करनी चाहिए। सुबह बालों को नीम के पानी से धो दें। यह नुस्खा हफ्ते में 2-3 माह तक आपको करना है। तो दोस्तों, ये हमने आपको नीम की पत्तियों के कुछ महत्वपूर्ण फायदे बताए थे, जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी शरीर और त्वचा के कई रोगों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।